हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ खतरों खिलाड़ी 11 का रिव्यू लेके। दोस्तों कल जो पहला स्टंट स्टार्ट हुआ वो स्टंट क्या था कि इसको क्या करना था कि पूल स्टंट था। पूल के अंदर क्या था कि नीचे पानी के अंदर 30 फ्लैग्स थे और प्लेयर को उल्टा टांग देना था और बार बार उसको पानी में डिप करते थे और वापस बाहर निकालते थे, वापस डिप करते थे और बाहर निकालते थे, और जो जब डिप करते थे तब उसे वो 30 फ्लैग्स को एक करके निकालना था। अब ये था टाइम बाउंड, कितने टाइम के कितने फ्लैग्स निकाल लेता है। इस स्टंट को जो परफॉर्म करना था वो करना था अनुष्का को, विशाल को और अपना राहुल वैद्य को। अब ये जब स्टंट हुआ तो अनुष्का ने स्टंट एक ट्राई करा पर वो अवॉर्ड कर रही, उसके वो नहीं कर पा रही थी। विशाल ने राहुल वैद्य ने दोनों ने स्टंट को किया, बट विशाल ने भी क्या किया कि दो बार डिप करने के बाद उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम है या वाटर से, तो उसने उस टाइम वहाँ पर अवॉर्ड कर दिया, बट स्टंट को स्टार्ट जरूर किया। तो ऑब्वियसली है टैग्स सबसे ज़्यादा बाहर निकाले कोई राहुल वैद्य ने, सारे के सारे 30 के 30 टैक्स बाहर निकाल लिए थे। तो राहुल वैद्य इस स्टंट को जीत गया था और इसमें फियर फंदा सिर्फ एक को मिला था, तो अनुष्का को इस बार फियर फंदा मिल गया। अब बारी थी स्टंट नंबर सेकंड की। इस स्टंट में क्या था कि वही नीचे नदी टाइप रिवर टाइप था और ऊपर एक वो बना रखा था, पूरा केस था उसके ऊपर, वो हवा में लटका हुआ था। इन्होंने उसको मूव करना था और ये पार्टनरशिप था, तो पार्टनरशिप में दो दो बंदों ने करना था, दोनों के आपस में हथकड़ी से हाथ बंधे हुए थे, रिमूव करना था और वहाँ से टैक्स निकालने थे। उन टैक्स के अंदर था क्या कि करंट पास था कि करंट लगता था, टैक्स तब भी उतारने थे। उसके जब सारे टैक्स उतारने थे 15 टैक्स थे, फिर उन्होंने पानी के अंदर छलांग मार देनी थी। पार्टनरशिप स्टंट था, तो इस स्टंट को सबसे पहले जो अभिनव और निकी ने किया शुरू करा, अभिनव ट्राई कर रहा था, निकी वही आपको पता है नहीं मैं नहीं, इन्होंने निकी ने स्टंट को वहाँ पर अबॉर्ड कर दिया और निकी ने स्टंट नहीं किया, अभिनव ने बेचारे छलांग कर दी, वो करता तो क्या करता। और सबसे बड़ी बात, निकी स्टंट के एंड तक उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी ही नहीं, मैं नहीं उतरूंगी, वो वहीं की वहीं रही। और दूसरी बार जो स्टंट किया वो किया अपना वरुण ने और इसका अपना महक ने, ये उन दोनों ने स्टंट साथ में मिलके अच्छा किया। उन्होंने टैक्स वगैरह उतारे और उसके बाद उन्होंने बीच में स्टंट को वो भी नीचे गिर गए क्योंकि उन्होंने 6-7 टैक उतार लिए थे। और एंड में जो परफॉर्म किया वो किया अर्जुन मिलानी और दिव्यंका ने, उन्होंने टास्क पूरा किया अच्छी तरह करा, ज़्यादा टैक्स निकाले तो ऑब्वियसली था कि यहाँ पे वो दोनों जीत गए। और जो फियर फंदा मिला वो मिला अपना वरुण को और यहाँ पे निक्की को, अपना अभिनव को और साथ में महक को। अब बारी थी स्टंट नंबर 3 की। अब सिर्फ दो प्लेयर रह गए थे, सना और अपना श्वेता तिवारी, जिसने ये स्टंट अभी तक परफॉर्म नहीं किए थे, तो ऑब्वियसली इन दोनों को स्टंट परफॉर्म करना था। ये एक कॉफिन था, कॉफिन के अंदर रहना था अंदर, उसके अंदर 3 लॉक्स है जो आपको लॉक कर दिए गए थे और अंदर 6 चाबी थी और कॉफिन को बंद कर दिया गया था और ऊपर से अंदर चूहे छोड़ दिए गए थे। अब करना क्या था कि 3 6 चाहिए वो चाबी को पहले ढूंढना था, फिर उन चाबी ढूंढने के बाद और 3 लॉक्स को खोलना था और फिर बाहर आना था। अब यहाँ पे दोनों ने परफॉर्म टास्क को पूरा किया, कंप्लीट किया, बट जो सबसे ज़्यादा टाइम लिया वो लिया श्वेता तिवारी ने, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फियर फंदा मिल गया श्वेता तिवारी को। अब बारी थी स्टंट नंबर 4 की, जब वहाँ पे था कि फियर फंदा रिमूव करने की। ये स्टंट क्या था, एक टनल थी, टनल पूरी लंबी टनल थी और पूरे ड्रैग पर गिरी हुई थी टनल को, और ऊपर से पानी आ रहा था प्लस बहुत तेज हवा भी आनी थी और इन्होंने उल्टी रक्ष में जाना था और वहाँ पे दो रास्ते में जो टैक्स लगे हुए थे 10 टैक्स को उतार के एंड में उसी टनल से वापस नीचे पूर्ण पानी में चले जाना था। टास्क बहुत टफ था, बहुत अगेंस्ट था, इसको जो टास्क परफॉर्म करना था वो करना था वरुण ने, अनुष्का ने और निकी ने। तो यहाँ पे सबसे पहले वरुण गया टास्क परफॉर्म करने के लिए। वरुण स्टार्टिंग में ये भी सेट कर रहा था कि बहुत जोर से वो नीचे गिर गया और उसके चोट भी लग गई, उसको एम्बुलेंस में लेके जाया गया। इतने में भाई शेट्टी साहब ने बोला भाई इसको कोई और दोस्त का परफॉर्म करना चाहता है उसके एवज में, तो वहाँ पे विशाल ने कहा मैं करूँगा, तो विशाल ने टास्क को स्टार्ट किया परफॉर्म करना। उसने स्टार्टिंग में 2 टैक्स निकाले और प्रेशर ना झेल पाया और पानी कर वो पूल में गिर गया। उसके बाद अनुष्का ने इस टास्क को अबॉर्ड कर दिया, वो कहने से मना ही कर दिया कि मैं नहीं कर सकती। निक्की की क्या, निक्की भाई वही नखरे मैं नहीं कर सकती, पर इस बार निक्की ने पूरा टास्क कंप्लीट किया, जिसे कहते हैं बहुत बढ़िया ढंग से किया। बट यहाँ पे जो अनुष्का वो अवॉर्ड कर चुकी थी, तो यहाँ पे जो फियर फंदा कंटिन्यू रहा वो अनुष्का का रहा, बाकी विशाल और अपना मींस वरुण और अपना निक्की का फियर फंदा हट गया। अब बारी थी स्टंट नंबर 5 की। अब जो बनाए गए थे फियर फंदे वाले वो थी अपना महक, श्वेता तिवारी और अभिनव। इन्होंने क्या करना था, इसमें था कि एक कांच का बासन बना रखा था, बेड टाइप बना रखा था, उसके अंदर लेट गए। लेटने के बाद उसके अंदर बहुत सारे जिसे कहते हैं कॉकरोच वगैरह और छोटे बड़े कॉकरोच डाल दिए गए। करना क्या था इन्होंने कि टाइम बाउंड था 5 मिनट के अंदर कि अपने हाथ से उठा रहे कॉकरोच पीछे बॉक्स में डाल लेते। अब उसमें यह था कि सिर्फ बड़े कॉकरोच डाले, छोटे नहीं डाल लेते, अगर छोटे डालो तो माइनस हो जाएगा पॉइंट, अगर बड़े कॉकरोच डालो तो प्लस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे तीनों ने टास्क परफॉर्म किया, बड़े ढंग से किया,
बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टाइम लिया वो लिया महक ने, और जो सबसे कम निकाले महक ने निकाले, तो यहाँ पे बाकी दोनों के फिर फंदे रिमूव हो गए और महक का फिर फंदा कंटिन्यू रहा। अब बात थी नंबर सिक्स की, एलिमिनेशन टास्किंग, भाई उसमें जो हारेगा वो घर आज चले जाएगा। तो इस टास्क का परफॉर्म करा था महक ने और अपना अनुष्का ने। अब ये टास्क क्या था, पूरा अंदर जाना है तुमने, पहला रूम है रैम में पूरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं देगा तुम्हें, और अंदर कबूतर भी थे, वहाँ से एक चाबी ढूंढनी थी, उस रूम को खोलना था, फिर एक सेकेंड टनल में आता, वहाँ पे सांप वाम सारे थे अच्छी तरह, वहाँ पे भी चाबी ढूंढनी थी, क्योंकि सांप वाले में थोड़े से हल्की सी लाइट थी वहाँ पे। उसके बाद फिर अगला खोला था, अगला एक और टनल थी, उसमें पूरा अंधेरा था, उसके अंदर भी क्या तुम्हें क्या पता, कुछ नहीं था, अंदर बड़े सारे क्रोकोडाइल्स थे छोटे छोटे, उसमें एक चाबी ढूंढनी थी और फिर रूम खोल के बाहर आना था। तो ये सारा स्टंट था। अब इस टास्क को परफॉर्म पहले अनुष्का ने किया, अनुष्का ने डरते डरते कर तो लिया टास्क और पूरे टास्क को कंप्लीट किया, बट यहाँ पे जो थी अपनी महक थी, महक को बर्ड से बहुत प्रॉब्लम थी, उसने कहा नहीं सर मैं नहीं करूँगी, ये है वो है वो, उसने उस टास्क को अबॉर्ड कर दिया बहुत समझाने के बाद भी, बट यहाँ पे अबॉर्ड कर दिया। तो ऑब्वियसली अपना जो अनुष्का थी वो टास्क कर चुकी थी, तो कल यहाँ पे जो एलिमिनेट हुई वो हुई अपना महक। ओके दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे खतरों खिलाड़ी 11 का रिव्यू लेके। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के निकलना, और दोस्तों वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। We'll be right back.